आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा का एनोड विभव के साथ विचलन होगा। तो यहाँ हमें यह बतलाना है कि एनोड के विभव में परिवर्तन के साथ प्रकाश विद्युत धारा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। एनोड विभव हम बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा में किस तरह का परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा, जो भी होगा, ये हमको एक नीचे दिए गए ग्राफ में से बतलाना है कि कौन सा ग्राफ इस विचलन को, इस परिवर्तन को सही सही दर्शा रहा है। ये हमको पहला ग्राफ दिया है ए, फिर नीचे बी है, फिर इस तरफ सी और डी। हमें प्रयोगों से क्या ज्ञात हुआ, पहले तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो एनोड विभव में वृद्धि के साथ प्रकाश विद्युत धारा क्रमशः बढ़ते हुए अंत में नियत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, फिर उसमें कोई और वृद्धि नहीं होती है। और जो ये धारा नियत हो गई है, स्थिर हो गई है, इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो देखिए एनोड के इस विभव पर हम अब ग्राफ ए में हैं। ए ग्राफ में देखिए कि इस निश्चित विभव पर, एनोड के विभव पर, जिसको कि निरोधी विभव कहा जाता है और यह एक ऋणात्मक विभव है, प्रकाश विद्युत धारा शून्य है। यहाँ से हम जब एनोड विभव को क्रमशः बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है और एक निश्चित मान तक बढ़ने के बाद उसके उपरांत अब धारा स्थिर हो गई है। अर्थात एनोड विभव बढ़ाने पर भी अब धारा में कोई परिवर्तन, कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसी धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। तो ग्राफ ए हमारे प्रायोगिक परिणामों की अच्छे से प्रदर्शन कर रहा है, तो ये हमारा सही है। लेकिन ग्राफ बी में देखिए कि निरोधी विभव पर तो शून्य हुआ, लेकिन इसके उपरांत धारा विभव में वृद्धि के साथ साथ धारा में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, धारा में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, और वो भी सरल रैखिक रूप से हो रही है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में विभव और धारा के बीच सरल रैखिक संबंध नहीं है और न ही वो लगातार बढ़ता भी चला जाता है, ऐसा नहीं होता, और इसलिए ये विकल्प यानी कि ये ग्राफ हमारा गलत है। विकल्प सी में देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है, शून्य विभव पर इतना विद्युत धारा है और इसके बाद जब एनोड विभव में वृद्धि की जा रही है तो धारा लगातार कम होती चली जा रही है, ये पूरी तरह गलत ग्राफ है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए कि इसमें एनोड के शून्य विभव पर ही विभव विद्युत धारा को शून्य बतला रहा है, जबकि एनोड के कुछ ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य होता है, शून्य विभव पर नहीं। और साथ ही साथ विभव में वृद्धि के साथ धारा में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब है कि ये ग्राफ भी हमारा सही नहीं है, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्राफ ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।